नमस्कार YouTube फैमिली, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एज इट इज़ ब्रांड के एटम वे प्रोटीन का, जो कि मेरे हाथ में इस समय है। तो आज मैं इस प्रोटीन का रिव्यू करने वाला हूं। आज हम जानेंगे कि क्या ये प्रोटीन लेने लायक है या लेने लायक नहीं है, क्या इसके रिजल्ट हैं और इसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले इस प्रोटीन के बारे में जान लें। देखिए एज इट इज़ ब्रांड का प्रोडक्ट है ये। एज इट इज़ जो ब्रांड है वो इंडियन ब्रांड है। मार्च 2018 में लॉन्च किया था दो भाइयों ने मिलकर, कोई दो भाई थे, उन्होंने एक लॉन्च किया था। और इसके ब्रांड एम्बेसडर जो हैं वो हैं हमारे बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता, जिन्होंने कोविड काल में बहुत से लोगों की मदद की है, वो है हमारे सोनू सूद। इसके ब्रांड एम्बेसडर है, इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो बात करते हैं इसकी, इस प्रोडक्ट की। तो पहली चीज़ ये कि 100% वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। और इसके पहले देख लेते हैं इसके पीछे इंग्रेडिएंट्स, इसमें क्या क्या ऐड किया गया है। देखिए इसमें वे प्रोटीन कंसनट्रेट ऐड किया गया है, वे प्रोटीन आइसोलेट है, कोकोआ पाउडर है, सुक्रालोज है, एडेड फ्लेवर्स हैं, यानी कि कुछ भी ऐसा अनहेल्दी इसमें ऐड नहीं किया गया है जो हमारे लिए अनहेल्दी हो। सारी चीज़ें इसमें अच्छी ऐड की गई हैं। अब इसके न्यूट्रिशन फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। देखिए इसमें 28 सर्विंग मिलेंगी आपको इसमें। और इसका जो स्कूप इसके अंदर होगा वो होगा लगभग 36 ग्राम का एक स्कूप होगा। तो एक स्कूप में आपको कैलोरी मिलेगी 135 किलो कैलोरी, प्रोटीन मिलेगा आपको 27 ग्राम एक स्कूप से, टोटल फैट मिलेगा आपको 1 ग्राम, सैचुरेटेड फैट आ रहा है 0.6 और ट्रांस फैट आ रहा है 0.0, यानी कि ना के बराबर इसमें फैट है। कार्बोहाइड्रेट इसमें थोड़ा बहुत आपको मिलेगा 4.7 ग्राम, लगभग एक खजूर के बराबर इसमें कार्बोहाइड्रेट आपको मिलेगा। शुगर इसमें ज़ीरो है, शुगर का इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है, यानी कि इसकी न्यूट्रिशन फैक्ट सही है। 100% वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। और इसमें इंग्रेडिएंट जो ऐड किए गए हैं उसमें कुछ भी बेकार की चीज़ ऐड नहीं की गई, सारी चीज़ें इसमें अच्छी ऐड की गई है। तो ये सब तो इसका अच्छा है। 27 ग्राम प्रोटीन मिलेगा आपको, 12.2 ग्राम EAA मिलेगा एसेंशियल अमीनो एसिड, 5.7 ग्राम BCAA मिलेगा आपको, 4.5 ग्राम ग्लूटामाइन आपको पर सर्विंग मिल जाएगा। तो अब इसकी बात करेंगे अभी मिक्सिबिलिटी की। तो मिक्सिबिलिटी की अगर बात करें, देखिए कोई भी प्रोटीन आप परचेज़ करें, और अगर आप सोचें, पहले मैं कुछ बता दूं, आप अगर सोचें कि प्रोटीन के बेस पे आपकी बॉडी अच्छी बन जाएगी तो इस गलतफहमी से दूर हो जाए। इसके बेस से बॉडी नहीं बनेगी। ये जो है, जो पाउडर्स होते हैं, प्रोटीन के पाउडर्स होते हैं, वो 50% जो रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की, बॉडी कुछ नीड होती है, वो इससे कवर हो जाती है 50%। बाकी 50% जो प्रोटीन की नीड है वो हमें डाइट से लेनी होती है। तो मेन रोल जो है वो डाइट का है। आपकी डाइट ठीक नहीं है और आप सोचें कि आप 3-3 स्कूप कितने पिए या इसी पे डिपेंड रहे हैं आप, तो वो ठीक नहीं है। ठीक है, आपका 50% जो पार्ट है आपका प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो इससे पूरी हो जाती है। क्योंकि अगर आप हैवी लिफ्ट करते हैं, आपकी मसल मैच्योर है, काफ़ी टाइम से जिम जा रहे हैं, तो फिर क्या होता है कि प्रोटीन की इंटेक बढ़ती जाती है। जैसे आप काफ़ी समय से जिम जा रहे हैं, काफ़ी दिनों से आप मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी खाने की जो डाइट है वो भी बड़ी होगी, उसी तरह से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है, कोशिश करें कि डाइट से ज़्यादा लेने की कोशिश करें। और डाइट से पूरी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आप मतलब कितना खाएंगे कि प्रोटीन की पूरी रिक्वायरमेंट पूरी डाइट से हम ले सकें। तो यहाँ पर ऐड करना होता है हमको प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है कि 40 से 50% जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है इससे कवर हो जाती है, बाकी हम फूड से कवर कर लेते हैं। इसलिए हमको प्रोटीन डाइट में ऐड करना होता है ताकि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। अब बात करते हैं मिक्सिबिलिटी की, टेस्ट की और लैब टेस्ट रिपोर्ट की। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी मिक्सिबिलिटी कैसी है। हम लेंगे 250 ml, लगभग 200 से 300 ml पानी। ये देखिए इसका एक बड़ी स्कूप है, इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए आपको सामने दिखाता हूँ मैं, देखिए इसकी मिक्सिबिलिटी जो है आपके सामने है, एकदम बढ़िया एक्सी मिक्सिबिलिटी है। बहुत अच्छे से मिक्स हुआ है प्रोटीन हमारा, ना ही इसमें किसी प्रकार के, देखिए बबल्स हैं, किसी प्रकार के बबल्स नहीं है, ना किसी प्रकार की लम्स नहीं बन रहे हैं, लम्स फ्री है किसी प्रकार की इसमें गांठें नहीं बन रही हैं, अच्छे से मिक्स हुआ है। टेस्ट की बात करें, टेस्ट बहुत अच्छा है, मैंने ऑलरेडी इसका टेस्ट किया हुआ है, लेकिन आपके सामने फिर से टेस्ट करूँगा। चॉकलेटी फ्लेवर है, अच्छे से मिक्स हुआ है, प्रॉपर मिक्स हुआ है, और इसमें किसी प्रकार की गांठें नहीं बनी हैं।
टेस्ट भी अच्छा है, आपको टेस्ट में मज़ा आ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट जो है 100% वेजिटेरियन है, जो भी चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं तो सारी चीज़ें इसमें ऑथेंटिक हैं। लैब टेस्ट रिपोर्ट की बात करें तो लैब टेस्ट रिपोर्ट में जो सामने आया है वो सामने ये आया है कि इसमें दिखाया गया है 27% प्रोटीन, लेकिन लैब टेस्ट रिपोर्ट में 25% प्रोटीन शो कर रहा है, 25.2% प्रोटीन इसमें दिखा रहा है। तो 2% प्रोटीन जो है लैब टेस्ट रिपोर्ट में चेक किया गया तो उसमें 2% प्रोटीन कम पाया गया, जो कि इसमें लेबल में लिखा हुआ है 27% प्रोटीन, तो 2% प्रोटीन जो है कम पाया गया है। लेकिन ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है इसका, लेकिन ठीक है, 27 ग्राम मिल रहा था वहाँ आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, जो कि जनरल अदर प्रोटीन जो कि अदर वे प्रोटीन्स में आपको मिलता है। तो गाइस प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, रिजल्ट आपको तभी इसके अच्छे मिलेंगे जब तक आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी, आपको रिजल्ट अच्छी नहीं देगा कोई कोई भी प्रोटीन आप परचेज कर लें, कितने से महंगा भी महंगा कितना महंगे से महंगा प्रोटीन आप परचेज कर लें, रिजल्ट आपको तभी मिलेंगे जब आपकी डाइट अच्छी होगी। ठीक है, आपका कुछ परसेंट जो है 40 से 50% पूर्ति इस प्रोटीन से हो जाती है, बाकी आपको डाइट से कवर करना होगा। तो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो एज इट इज ब्रांड के एटम वे प्रोटीन के ऊपर। अच्छा प्रोटीन है, ऑथेंटिक प्रोडक्ट है, वेजिटेरियन है, रिजल्ट भी आपको अच्छे इसके मिलेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रोटीन कैसा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।